हेलो माय फ्रेंड्स, आज हमारे पास है महिंद्रा की ब्लेरो SLX। इसमें प्रॉब्लम है कि एक चेक लैंप ऑन है और इंजन हमारा रेस है 2 पॉइंट। तो इसमें हम स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे क्या फॉल्ट कोड है। हमने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, रेड फॉल्ट कोड करेंगे। प्लस्टिविटी एरर बिटवीन स्केलेटर पेंडल पोजीशन सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 करंट में है। पावर स्टेज ओपन लोड एयर फॉर एसी कंप्रेसर, तो एसी कंप्रेसर का है, बाकी का हमारा हेड में आ रहा है फॉल्ट। ठीक है, तो इस पर हम काम करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ से डेटा स्ट्रीम जैसा कि हमें चाहिए। सेंसर 1, पेंडल पोजीशन, सेंसर पेंडल 1, पेंडल 2 का ओके। यहाँ पे देख रहे हैं कि पेंडल पोजीशन हमारा 0 आ रहा है, लेकिन सेंसर पेंडल का ट्रैक 1 का सिग्नल 1.8% और पेंडल ट्रैक 2 का 20.39% का सिग्नल आ रहा है, जो कि हमने एस्केलेटर पेंडल बिल्कुल भी नहीं दबाया है, देख पा रहे हैं। इसी कारण हमारा इंजन रेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा पेंडल पोजीशन 0 आ रहा है। तो इस पर हम जो काम करेंगे, देखते हैं हमें क्या फॉल्ट मिलता है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम फिर से वापस आ गए हैं अपने ब्लेरो में, जो चेक लाइट अभी बिल्कुल ऑफ है। इंजन हमारा जेन्युइन जो RPM होता है 850, कोई हमने स्केलेटर पेंडल दबाया नहीं है। और हम यहाँ पे रीड करेंगे फॉल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस्टिविटी बिटवीन एक्सलेटर पेंडल पोजीशन सिग्नल 1 और सिग्नल 2 का करंट आ रहा था, अभी हेड में है, ये हमारा एसी का करंट में ही है, तो वो हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने का नहीं है वो। तो उसके बाद हम यहाँ से बैक हो करके डेटा स्ट्रीम चेक कर लेंगे। पेंडल पोजिशन, सेंसर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 1 पॉइंट कुछ रहा था, 38 पॉइंट कुछ का आ रहा था, वो तीनों 0 का 0 है। ठीक है, तो ये ट्रैक सिग्नल हमारा 0 आना चाहिए और ये सेंसर सिग्नल 0 आना चाहिए, उसी के हिसाब से पेंडल पोजीशन होता है। अभी जैसे कि मैं स्केलेटर यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जितना भी सिग्नल का रेशियो है सबका सेम आना चाहिए। देख रहे हैं 1.96, 2.35, 2.75, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा RPM यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमने क्या किया इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको हम कर लेते हैं बैक। हमने स्केलेटर पेंडल भी चेंज नहीं किया है, पुराना ही वाला है, हमने इसको खोला हुआ था, खोल के हमने इसको क्लीन किया है। और यहाँ पे हमने ECU का कपलर खोला था और ECU का ये वाला ग्राउंड क्लियर किया है और ये कपलर क्लियर किया है, और एक बैटरी के पास जो होता है वो वाला हमने कपलर क्लियर किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये 2 वायर है ना, ये 3 वायर है यहाँ पे ग्राउंड पतला, और एक ये अलग से लगा हुआ है, ये 3 वायर जो हमारा ये क्लियर किया हमने, और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है। हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट है, और हम फिर से इसे बंद करके स्टार्ट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक लैंप नहीं, बिल्कुल RPM इतना स्लो है कि अभी हमारा बैटरी लाइट भी बंद नहीं हो रहा है, इसको हल्का रेस करने पे ये बंद होगा।
देख ले रहे, पहले से हमारा इसका इंजन इतना रेस था कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता था। ठीक है भाइयों, तो इस मैंने जो काम किया वो आपके साथ मैंने शेयर किया, कुछ स्टेप जो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया तो मैंने किया वो आपको दिखा दिया। सामान चेंज करने से बेहतर है पहले आप उसको परफेक्टली डायग्नोस कर लें, डायग्नोस करने के बाद ही आप उस पर फाइनल रिजल्ट पे आएँ और काम करें। उससे क्या होता है, कस्टमर का भी पैसा बचता है और आपका भी नाम होता है अच्छा खासा। तो ये हमारा बिल्कुल 0-0 है जो हमारा आगे पीछे का रीडिंग आ रहा था। तो स्कैनर के बारे में भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि भाई स्कैनर स्टेप बाय स्टेप स्कैनिंग करना का वीडियो आप बनाएं। तो ऐसा लगता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं स्कैनर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेप पे बारीकी से पूरा क्लियर करके अच्छे से वीडियो में बनाऊं, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।